तीन मजदूर गांजा विक्रेता निकले। बड़ी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। प्रकरण दर्ज कर उनसे गांजा जब्त किया गया है। सोमवार को अदालत में पेश कर तीनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी गांजा विक्रेता मोहम्मद जाफर, मोहम्मद जाकिर, शिवानंद कुमार अर्जुन शर्मा और संतोष कुमार छत्रधर शर्मा तीनों बिहार के अर्जापुर, वर्तमान में फुटाला झोपड़पट्टी के निवासी है। तीनों मजदूरी करते हैं और इसकी आड़ में गांजा भी बेचते हैं। संतोष कुमार बिहार से गांजा लेकर आया था। रविवार को तीनों महाराज बाग के पास गांजा बेचने के लिए आए हुए थे। इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी। पुलिस ने परिसर को घेर लिया और संदिग्ध गतिविधियों के चलते तीनों को दबोच लिया। तलाशी में उनसे प्लास्टिक के बोरों में से कुल 3,827 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। गांजे की अनुमानित कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। सोमवार को दोपहर में तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर उन्हें 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक अतुल सबनीस के मार्गदर्शन में निरीक्षक अमोल काचोरे, योगेश मोहित, प्रवीण राउत, जयपाल राठौड़, चंद्रशेखर गौतम, पंकज रामटेके आदि ने कार्रवाई की। कल 23 जनवरी को शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिला, महाराज बाग रोड पे तीन लोग गांजा बिक्री के लिए आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली हमारे स्टाफ ने वहाँ पे ट्रैप लगाया और तीन सस्पेक्टेड लोग हमें दिखाई दिए। उनको जगह पे ही हमने ताबे में लिया और उनका सर्च लिया तो उनके ताबे में 3 किलो 827 ग्राम गांजा मिल गया। वो हमने जब्त किया और तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। तीनों आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। 29 तारीख तक कस्टडी मिली है। उन्होंने इसके पहले कुछ लाया था या इसके पहले किसको दिया है या तो फिर उनके ऊपर कुछ इसके पहले कुछ केसेस हुए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है।